समाजवादी पार्टी के कौमी सदर आली जनाब मुलायम सिंह यादव साहब, उत्तर प्रदेश यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य, हिंदुस्तान के दिल के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जनाब, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, रामकिशन जी स्टेज पर, सभी नेता साहिबान और एक ऐसा जन सैलाब जो आने वाले कल की निशानदेही करता है, हिंदुस्तान कैसा होगा, हिंदुस्तान का कल कैसा होगा, इस अपार भीड़ में बुजुर्गों, नौजवानों, बहनों और मीडिया बंधुओं, अगर आपकी आंख काम नहीं करती तो इंसान की गलती हो सकती है, लेकिन अगर कैमरे का लेंस भी काम नहीं करेगा तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों पर रोशनी डाली है उसमें इंसान को इंसान से जोड़ने का संदेश है, दिलों को जोड़ने का संदेश है और 60 साल के आजाद हिंदुस्तान की बदहाली कैसे दूर हो, गरीबी कैसे खत्म हो, किसान को पानी, बिजली, खाद और उसकी फसल का सही दाम कैसे मिले, एक आम आदमी के दिल का दर्द, उसकी तकलीफ दूर हो और उससे ज्यादा इस बड़े मैदान में कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस के पड़ोस में रामनगरी में ये रामपुरवासी आपके बीच हाजिर है और एक ऐसा मोहब्बत का पैगाम, दिलों को जोड़ने वाला एक ऐसा संदेश यहां से जाना चाहिए। 120 करोड़ के हिंदुस्तान में ये बात तय हो जाए कि अब बहस बंद हो, अगर 30 अक्टूबर 1990 के मुलायम सिंह यादव को किसी से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना है तो आज उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी को चाहे वो हैदराबाद की चार मीनार हो या कोई और ऐतिहासिक जगह हो, मुलायम सिंह यादव जी के गृहमान पर हाथ डालने वाले लोग अपने गृहमानों की गलतियों की तरफ देखते हैं। क्या चाहते हैं ये लोग? मैं आपसे इस अपार भीड़ से जानना चाहता हूं, कहां जाएगा हिंदुस्तान,
दिल्ली हिंदुस्तान नहीं जाएगा। दिल्ली जाओगे आप, और जब आप जाओगे तो देश का नेता जिन्हें हमने जननायक कहा है, इनके हाथ में होगी देश की बागडोर। वरना याद रखना, दबे कुचले लोगों, गांव देहात में रहने वाले लोगों, याद रखना, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। कुछ लोग हिंदुस्तान की बंद मुट्ठी को खोल देना चाहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक बहस शुरू कराना चाहते हैं। हिंदुस्तान एक रहे या हिंदुस्तान टूट जाए, मैं आपको ये एहसास दिलाने आया हूं कि अराजकता कानून हाथ में लेना, अगर चुने हुई सरकारें अराजकता का माहौल बनाएंगी और दिल्ली की सड़कों को तहरीर चौक में बदलना चाहेंगी, तो हिंदुस्तान का भविष्य भी वही होगा जो अमेरिका के हथियारों से बर्बाद किए हुए देशों का अंजाम हुआ है। जो लोग देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, ला कानूनियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, इंसान को इंसान से लड़ाना चाहते हैं और इंसान की मिसाल कुत्ते और बिल्ली से देना चाहते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान तहजीब का मुल्क है। यहां लाखों लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कांधे से कांधे मिलाकर खड़े हुए हैं। यही है हिंदुस्तान, यही है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का हाथ देखने वालों, तुमने ये कहा कि मक्का में सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, मैं मुसलमान हूं, मुझे खुश होना चाहिए था कि एक फासिस्ट, एक हत्यारा, इंसानियत का कातिल तुष्टिकरण के लिए यहां तक उतर आया कि मक्का की भीड़ को दुनिया की सबसे बड़ा जमावड़ा कह दिया। यह गलत है, यह झूठ है, उसी तरह जैसे फासिस्ट गलत बात को इतनी मजबूती से कहते हैं कि वो सही लगने लगे। जमावड़ा था अलाहाबाद में, जहां एक दिन में तकरीबन 3.5 करोड़ लोग जमा हुए थे और उसका अध्यक्ष एक मुसलमान था। ये हमारा इतिहास, ये है हमारा कल। 1942 में बनारस और बनारस के चारों तरफ रामनगरी के लोगों, हिंदुओं, मुसलमानों, हिंदुस्तान अपनी मोहब्बत की पहचान करता है। 1942 था, अंग्रेज पागल हो चुका था, उसे मालूम था अब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। किस बात से? इस बात से कि एक बर्तन में 4 लोग बैठकर खाना खाते थे और ये मालूम नहीं होता था इसमें हिंदू कौन है और इसमें मुसलमान कौन है। ये था हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान कभी नहीं था, हिंदुस्तान था ये जो कहा नेताजी ने, धर्म रहेगा देश रहेगा, तो धर्म रहेगा और देश ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा। उस दिन ये लगा करोड़ों मुसलमान, करोड़ों सिख और ईसाई और यहां जितने भी सिख भाई मौजूद हो, नेताजी यहां मौजूद हैं, मुख्यमंत्री जी यहां मौजूद हैं, याद करो
पीली भीड़ में बसों से उतारकर इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री की हत्या पर यह कहा गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिल जाती है और सिखों का पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम शुरू हो गया था। एक या दो आदमियों की गलती का खामियाजा हिंदुस्तान के कमजोर लाखों सिखों को भुगतना पड़ा। बसों से उतार कर उन्हें मारा गया। हिम्मत नहीं थी न पंजाब से न दिल्ली से और यहां तक कि कोई सीखने का ये हिम्मत नहीं रखते थे कि पीलीभीत के बस से उतारे हुए बेगुनाह सिखों के बारे में ये कहेंगे कि कत्ल गलत था। इस भीड़ में आए लाखों लोगों वो ऐतिहासिक व्यक्ति जिसने कभी न झुकना सीखा, जिसने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया और यहां तक कह दिया तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। पीलीभीत की हत्याओं पर सिखों के गांवों और उनके घरों पर जाने वाला अगर कोई शख्स था उन बुरे हालात में उनका नाम मुलायम सिंह यादव था। कहां से लाओगे, कहां से लाओगे उसूलों की राजनीति करने वाले एक ऐसा शख्स जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि नाश करो समाजवादियों, नाश करो। तुम आज किसके सामने खड़े हो, इतिहास तुमसे सवाल करेगा, इतिहास का हाथ तुम्हारे गरेबान पर होगा कि जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे यहां से आंसू पोंछने में गुजार दी हो, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारे दिल के दर्द को अपने दिल में महसूस किया है। अगर तुम एक कदम भी उसके साथ नहीं चल सके तो याद रखना इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए आओ वो हिंदुस्तान और उस हिंदुस्तान का नक्शा जो मुलायम सिंह यादव जी जो अखिलेश जी देखना चाहते हैं अपनी आंखों का सपना बना लो। क्या गुनाह है, हम हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी है, 1/5 हमने राज्यसभा में कहा था कि अगर शरीर का 1/5 अंग बीमार हो जाए तो आदमी स्वस्थ नहीं कहला सकता। 1/5 आबादी हिंदुस्तान की बीमार है, उसे इलाज चाहिए, उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे शांति और अमन चाहिए, उन्हें अमन चाहिए। उनकी बस्तियां जलाने वालों, उनकी आबरू से खेलने वालों, पूरे हिंदुस्तान को गुजरात बनाने वालों, मुजफ्फरनगर की आहुसिन पनाह मांगो, मुजफ्फरनगर में जो तुमने कमजोरों पर कहर ढाया है वो तुम्हारे सेवक थे, तुम्हारे खेतों में हल चलाते थे, अपने खून का पसीना बनाकर जमीन पर टपकाते थे, तब तुम्हारी बेटियों को शादियों के लिए लाल चूड़ियां मिलती थी। मेहनत कश मेहनत करके तुम्हारी बेटियों के लिए सिंदूर जमा करते थे, तुमने उनकी हत्याएं कर दी, उनके मकान जला दिए और एक ऐसी लकीर कायम कर दी जिसके बाद दिल्ली की एक पार्टी के नेता ने कहा कि कश्मीर में राजशुमारी होना चाहिए। कहा जा रहे हैं कश्मीर की राजशुमारी कश्मीर तक नहीं रुकेगी, अगर राजशुमारी की शुरुआत हुई तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये बात उठेगी कि इंसानों के दिलों को बांट दिया जाए। कहां लेकर जा रहे हैं, याद रखो देश यूं ही नहीं बढ़ता, घर यूं ही नहीं बढ़ता, पहले दिल बढ़ते हैं तब देश बढ़ता है।
1947 में पहले दिल बटे थे उसके बाद देश बटा था। हमें बिरला कहने वालों, बिरला कहने वालों, बनारस के हिंदुओं, मेरे बुजुर्ग हिंदू भाइयों, मैं आपसे पूछने आया हूं, अब हुक्म हुआ नेताजी ने हमें उसका अध्यक्ष बनाया, महाकुंभ हुआ नेताजी ने हमें उसका अध्यक्ष बनाया, अपने ईमान की कसम खाकर कह दो, अपने धर्म का रास्ता जब अधुकुम हुआ, साधु साहिबान ने हमारा पुतला जलाया, हमारे नाम पर मुर्दाबाद के नारे लगे, लेकिन जब अधुकुम हो गया तो वहीं हमें बुलाकर उन्हीं साधु साहिबान ने जिन्होंने हमें मुर्दाबाद कहा था उन्होंने हमें सम्मानित किया। और दोबारा जब हमारा कुंभ हुआ तो उन्हीं साधु साहिबान ने इत्मीनान जाहिर किया कि अर्ध कुंभ भी बहुत कामयाब हुआ था और महाकुंभ भी बहुत कामयाब होगा। आज लोकतंत्र का महाकुंभ यहां जमा है, लोकतंत्र की ये महाभीड़ आने वाले हिंदुस्तान के कल का फैसला करेगी। हम विदेश गए थे साथियों, और विदेश हम किसी अय्याशी और सैर और तफरी के लिए नहीं गए थे, हमें कॉमनवेल्थ डेलीगेशन में जाना था। हम दिल्ली से रवाना भी नहीं हुए थे कि ये महानुभाव जो देश को आईना दिखाते हैं अपने ऊपर कभी आईना लेकर नहीं जाते, कभी कभी तहलका वाला तो आईना दिखा देता है लेकिन समाजवादियों के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर किसी ने हल्ला बोल रखा है तो हमारे लिए मीडिया बंद है, इन्हें हमारी कोई खूबी नजर नहीं आती, हमारे अंदर के सारे ऐब नजर आते हैं, इन्हें हमारी कोई अच्छाई नजर नहीं आती। ये हमारी नहीं हिंदुस्तान की बर्बादी चाहते हैं, जिनके अंदर हमारे यहां कहा जाता है जो व्यक्ति अपने पड़ोसी को चचा नहीं कह सकता वो अपने बाप को बाप नहीं कह सकता। मैं आपसे पूछता हूं, एक अंग्रेजी चैनल ने नेताजी के खिलाफ जो भाषा इस्तेमाल की वो कोठे की, दलाई करने वाला भी वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेताजी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो एक टकसाली व्यक्ति भी नहीं कर सकता। हमारा विरोध है, हम अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं और पूरे हिंदुस्तान से हिंदुस्तान का निजाम चलाने वालों से कहना चाहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, हर जबान की इत्तेहा होना चाहिए। आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर आप किसी को गाली देंगे तो उसका मुक्का भी बहुत मजबूत है। अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का यह मतलब नहीं है कि आप अपनी शराफत की हदें पार कर जाएं, आप इज्जत और एहतराम का लिहाज न करें, अपमान के शब्द इस्तेमाल करें। इसीलिए कहा था मुख्यमंत्री जी ने, इसीलिए कहा था कि उन्हें नेताजी से माफी मांगना चाहिए। जिन मुलायम सिंह यादव जी की आधी दुनिया एहतराम करती है, पूरी दुनिया में जिनका नाम एक ऐसे सेक्युलर व्यक्ति के नाम से जाना जाता है जिसने 30 अक्टूबर 1990 को भी नहीं झुककर दिखाया, लोगों ने यह कहा यह हिंदू नहीं है, उस पर आपने कहा कि देश रहेगा तो धर्म रहेगा और देश नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए साथियों टेलीविजन के पर्दे पर और अखबार के अक्षरों पर मत जाना, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, इन्हें अपने भारी कीमतों के चैनल चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। एक एक चैनल का एक एक दिन का करोड़ों रुपए का खर्च है।
बताओ गरीबों तुम कहां से दोगे, तुम्हारा तो लोटा मिटिया दोनों बिक जाएगी तब भी तुम किसी चैनल को खुश नहीं कर सकोगे। इनकी परवाह मत करो, ये जितनी गाली दें ये जितना बुरा कहें सब जो समाजवादी पार्टी उतना ही अच्छा कर रही है। ये तुम्हारी बर्बादी चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को फासिस्ट के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ये मुजफ्फरनगर के दोस्त हैं ना, ये टीआरपी के दोस्त हैं, मुजफ्फरनगर के मजलूमों के जख्म भरने के लिए सरकार ने मरहम ला कर दिया, आपने उस मरहम को लात मारी, ठोकर मारी, मरहम दूर जाके गिरा, मुजफ्फरनगर के मजलूमीन के जख्मों पर तेजाब डाल दिया आपने। आप नहीं चाहते, मीडिया नहीं चाहता मुजफ्फरनगर में शांति हो, मीडिया चाहता है मुजफ्फरनगर की तरह पूरा हिंदुस्तान जलकर राख हो जाए ताकि इन्हें वहां कैमरे ले जाकर बहुत अच्छी फिल्म बनाने का मौका मिले। इनकी साजिश पहचानो, ये हिंदुस्तान को जला देना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था अगर इन्होंने अपना रास्ता सच्चाई का रास्ता नहीं बनाया तो एक दिन देश को बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ सकती है। हम जानते हैं हमारी ये बातें बहुत बुरी लगेंगी, हम जानते हैं बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन सच थोड़ा कड़वा होता है, उसे सुनना भी चाहिए, उसे समझना भी चाहिए और उसे अपनी जिंदगी का रास्ता बनाना भी चाहिए। इसलिए इस अपार भीड़ में आए हुए तमाम बंधुओं से यही अपील करने आया हूं, जैसे बादल है आसमान पर, अभी धूप आई थी अभी बादल आए हैं, ऐसा ही शांत, ऐसा ही अच्छा हिंदुस्तान, ऐसा ही पवन हिंदुस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों को चाहिए। हम कहां जाएं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम कहां जाएं, अब शरादों के बाद हम नहीं जा सकते, कोई देश हमें लेने वाला नहीं है, हम कहां जाएं, मीडिया बंधुओं हमें बताओ हमारी जगह कहां है, हम कहां जाएं, क्या चाहते हो। हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दे सकते, एक कातिल हत्यारे को मुसलमान वोट नहीं दे सकता, मुजफ्फरनगर के नौजवानों को आईएसआई का एजेंट बताने वाली कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता, हमारी मस्जिद को ये कहने वाले काशीराम कि अगर मुझे इसका मसला हल करने का मौका मिले तो मैं उसकी जगह लेटरिन और पखाने बनवा दूंगा, हाथी के पैर से अपना सर उछलवाने के लिए तैयार नहीं है। मुलायम सिंह यादव से मुठी से मुसलमानों को नाराज कर दो, इनसे भी अलग कर दो, हमारे लिए जाए पना कहाँ है, हम कहाँ जाएं, इसलिए हमें हमारों से अलग मत करो और हमारों को भी हमसे मत अलग करो, ये निवेदन करने लिए आए हैं और आपको बताने लिए आए हैं कि ये पार्लियामेंट का चुनाव हिंदुस्तान की तारीख बदलने वाला चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव हिंदुस्तान में करोड़ों कमजोरों को जो आने वाले नए हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है उसका चुनाव है। आपसे यही कहते हुए इजाजत चाहूंगा कि मैंने इटावा में कहा था कि इटावा वालों जिस तरह रेलवे स्टेशन पर लिखा होता है ये राष्ट्र की संपत्ति है इसे संभाल कर रखिए, मुलायम सिंह यादव राष्ट्र की संपत्ति है इन्हें संभाल कर रखिए। इस भीड़ में आए ये लोगों, मुलायम सिंह यादव जी का प्रधानमंत्री बनना ऐसा होगा जैसे इस भीड़ में खड़ा हुआ हर व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया है। एक नौजवान वजीर आला की अपील पर और हमारी इस दरखास्त पर गौर करने के लिए और अपील करने के लिए हम आपके पास हाजिर हैं और आपसे यही दरखास्त करते हैं कि किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, कोई सबबा दिखाता है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें हमारों से बहुत दूर कर चुके, बहुत तला चुके, हमें 7 नोटिस है सुप्रीम कोर्ट से इस बात के हमने मुजफ्फरनगर में जन्म कराया है,
اور ہم نے کہا تھا کہ وہ زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں چاہیے جو زندگی وسیع رہتے ہوئے کہیں پر گندہ کراتی ہو، ایک لمحہ بھی وہ زندگی نہیں چاہیے۔ مظفرنگر کے مظلومین سے آپ لوگوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان پر یہ ستم کے پہاڑ اسی لیے ڈھائے گئے ہیں کہ وہ ہماری مدد نہ کر سکیں۔ لیکن ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، ہم ہر دکھی دل میں ہیں، ہم ہر غم زدہ دل میں ہیں، اور آج بھی آپ سے یہ کہنے آ رہے ہیں کہ شکشا کے میدان میں ہم نے ایک ایسا سپنا دیکھا ہے، نہ چاہیے بھیڑ، لیکن محمد علی جوہر وشوودیالیہ ایک دن جہاد کے اندھیروں کو دور کرے گا اور اس کا شرے ملائم سنگھ یادو جی کو اور اکھلیش جی کو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس شمع کو روشن کیا ہے۔ اس روشنی کو آگے بڑھاؤ اور مولانا محمد علی جوہر کے خوابوں کی تعبیر بنو، اسی شخص کو جس نے تمہارے لیے تعلیم کا ایک چراغ روشن کیا ہے، اسے ہندوستان کے اندھیروں کو دور کرنے والا ایک ایسا روشن چراغ بنا دو جو آنے والے پارلیمنٹ میں یہ ثابت کر دے کہ دیش کے لال قلعے پر جھنڈا پھیلے گا تو ملائم سنگھ یادو جی کے ہاتھوں سے پھیلے گا، ورنہ دیش ایک اندھکار کے راستے پر چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت